गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज के हाँ लेक्चर में हम करेंगे एग्ज़ाम्पल्स uh, कल हमने लाइव लेक्चर में डेफिनेशन्स uh, करी थी फिक्स पॉइंट की नॉर्मल फॉर्म मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्रिटिकल पॉइंट इन सब की डेफिनेशंस करी थी आज उन्हीं के बेस पर हम uh, कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो हमारे फर्स्ट एग्जांपल है फ़ाइंड द फिक्स पॉइंट एक तो हमें फिक्स पॉइंट निकालना है एंड नॉर्मल फॉर्म दूसरा हमें नॉर्मल फॉर्म निकालना है एंड नेचर ऑफ द फॉलोइंग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और हमें जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है उसका नेचर बताना है कि वो पैराबोलिक है हाइपोबोलिक है या इलेक्ट्रिक है ठीक है तो सबसे पहले हम जब फिक्स पॉइंट निकालते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड रखते हैं हमारे पास डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन क्या है थ्री जेड माइनस फोर अपॉन जेड माइनस वन ठीक है तो फिक्स पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं फॉर द फिक्स पॉइंट फॉर फिक्स पॉइंट इसके लिए हम क्या करते हैं डब्ल्यू को जेड के इक्वल रखते हैं ठीक है डब्ल्यू को जेड के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी जेड इज इक्वल टू थ्री जेड माइनस फोर अपॉन में जेड माइनस वन सो दिस एम्प्लाइज जेड स्क्वायर माइनस जेड और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा माइनस थ्री जेड इसको भी उधर ले जाते हैं एंड प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस टू इज इक्वल टू जीरो प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो इसके अगर हम रूट्स बनाएं तो ये इक्वेशन क्या होती है जेड माइनस टू का होल स्क्वायेयर इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू टू एंड टू सो टू इज द ओनली फिक्स पॉइंट इन दिस केस अगर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल फिक्स पॉइंट आता है तो उस केस में हमारी जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं पैराबोलिक इक्वेशन सो फर्स्ट फिक्स पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया दे आर द इक्वल टू एंड टू ठीक है और उसके बाद नेचर बताना है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का सो इट इज अ पैराबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है तो इसमें हमारे पास क्या आ गया हम लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू टू इज द ओनली फिक्स पॉइंट इज ओनली फिक्स पॉइंट ठीक है एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है किस टाइप की हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन इज पैराबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास में पैराबोलिक टाइप की है तो फर्स्ट और इस लास्ट वाले का तो हमें आंसर मिल गया उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है नॉर्मल फॉर्म ठीक है नॉर्मल फॉर्म किस तरीके से निकालनी है वो आप देखिए सबसे पहले हम क्या करें नॉर्मल फॉर्म हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि नॉर्मल फॉर्म को किस फॉर्म में लिखते हैं हम तो नॉर्मल जो फॉर्म होती है उसको हम इस तरीके की फॉर्म में लिखते हैं एक बार हम लिख लेते हैं इसको वन अपॉन डब्ल्यू माइनस क्यू इज़ इक्वल टू वन अपॉन जेड माइनस क्यू प्लस के सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म तो इसी फॉर्म में हमने आंसर निकालना है इस फॉर्म में अब यहाँ पर Q एंड uh, जो फिक्स पॉइंट हमारे पास में आया है वो किसके इक्वल आया है Q इज टू ठीक है यहाँ पर हमारे पास में क्या है Q टू के इक्वल है तो द वन अपॉन डब्ल्यू माइनस टू इज इक्वल टू वन अपॉन जेड माइनस टू प्लस के की फॉर्म में हमें एक फॉर्म निकालनी है विच इज कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो हमें गिवन है आ, ये हमारे पास में क्या है डब्ल्यू इज इक्वल टू ना डब्ल्यू इज इक्वल टू थ्री जेड माइनस फोर अपॉन जेड माइनस फोर तो इसी इक्वेशन क्योंकि हमारे नॉर्मल फॉर्म में डब्ल्यू और जेड दोनों की टर्म्स आती है इसलिए हम जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको उसी फॉर्म में लिखते हैं फिक्स पॉइंट के लिए हम डब्ल्यू और जेड को इक्वल रखते हैं ठीक है तो ये आ गया इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू थ्री जेड माइनस फोर ठीक है अब ये इक्वेशन हमारे पास में क्या आ गई डब्ल्यू जेड माइनस डब्ल्यू जेड माइनस डब्ल्यू एंड माइनस थ्री जेड माइनस फोर अब इस इक्वेशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसके अंदर प्लस माइनस कर देंगे टू डब्ल्यू एंड टू जेड तो प्लस कर दिया टू डब्ल्यू माइनस भी कर दिया टू डब्ल्यू प्लस कर दिया हमने टू जेड एंड माइनस भी कर दिया टू जेड विच इज इक्वल टू ज़ीरो सो so, ये वाली दो इक्वेशन है एक ये और ये हमने एडिक और सब्ट्रैक्ट कर दी टू डब्ल्यू को भी हमने प्लस माइनस कर दिया और टू जेड को भी प्लस माइनस कर दिया अब इसको थोड़ा सा सिंपल लिख लेते हैं हम इस तरीके से जिससे कि हम कॉमन निकाल सके टर्म तो ये आ जाएगा डब्ल्यू जेड माइनस हमारे पास में टर्म हम लेते हैं डब्ल्यू जेड माइनस टू डब्ल्यू ठीक है डब्ल्यू जेड माइनस टू डब्ल्यू की फॉर्म लिख ली एंड नेक्स्ट हम लिख लेते हैं प्लस टू नेक्स्ट आप माइनस टू जैड लिख लेते हैं देखो ये वन लिख ली डब्ल्यू जेड माइनस टू डब्ल्यू भी लिख ली हमने उसके बाद में हमने इक्वेशन में माइनस टू जेड लिख दी एंड उसके बाद में हम लिख देंगे माइनस फोर ये इधर आगे प्लस हो जाएगा ठीक है तो ये आ जाएगा हमारे पास में प्लस फोर तो ये टर्म्स आ गई अब बाकी जो टर्म्स बनी है उसको हम लास्ट में लिखते हैं बाकी कौन कौन सी टर्म हमारे पास बची है प्लस टू डब्ल्यू बची है प्लस टू जेड बची है एंड इक्वेशन बची है माइनस डब्ल्यू एंड माइनस थ्री जेड ये इक्वेशन हमारे पास बची है ठीक है तो इसी को हमने इक्वेशन uh, को लिख दिया अब देखो यहाँ हम इन चारों इक्वेशंस इन चारों टर्म में से हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से अगर हम डब्ल्यू को कॉमन निकाल रहे हैं तो हमारे पास में क्या रह रहा है अंदर जेड माइनस टू ठीक है और इस टर्म में अगर हम माइनस टू कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या रह रहा है जेड माइनस टू बाकी एज इट इज आ जाएगा टू डब्ल्यू प्लस टू जेड माइनस डब्ल्यू माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब ये हमारे पास कॉमन क्या आ गया डब्ल्यू माइनस टू ये हम किस लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फॉर्म में वन अपॉन डब्ल्यू माइनस टू की फॉर्म चाहिए इसलिए हमने इस इक्वेशन के अंदर इस तरीके की टर्म्स आ, लिखी है ठीक है तो ये आ गया डब्ल्यू माइनस टू जेड माइनस टू एंड नेक्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है प्लस टू डब्ल्यू प्लस टू जेड माइनस डब्ल्यू माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया ठीक है इसको और सिंपलीफाई कर सिंपलीफाई करके लिख देते हैं हम जेड माइनस टू अब यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं तो हमारे पास में क्या टर्म बच जाएगी इसके अंदर हमें बच जाएगी एक टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू में टर्म बच गई प्लस डब्ल्यू एंड टू जेड माइनस थ्री जेड में टर्म बच गई हमारे पास में माइनस जेड ठीक है अब यहाँ पर भी कॉमन निकालने के लिए हम क्या करेंगे ताकि हम इस फॉर्म में लिख सकें दिस इज़ नॉर्मल फॉर्म तो नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं अब देखो अगर हम इसके अंदर प्लस टू एंड माइनस टू कर लेते हैं ठीक है ये वाली वैल्यूज़ को अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी डब्ल्यू माइनस टू ये आपको क्वेश्चन को देख के ही करना है कि हमें जो फॉर्म लानी है वो आपको माइंड में रखनी है इस तरीके की इक्वेशन आनी चाहिए डब्ल्यू अब क्योंकि रूट हमारे पास क्या निकला है टू निकला है फिक्स पॉइंट तो डब्ल्यू माइनस टू इज़ इक्वल टू वन अपॉन जेड माइनस टू प्लस सम कॉन्स्टेंट की टर्म लेके आनी है ठीक है तो इसलिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं अब यहाँ पे आ गया W माइनस टू एंड जेड माइनस टू इन टर्म्स के अंदर भी हम इसी तरीके की वैल्यूज दे ले लेते हैं ठीक है तो इन दोनों इक्वेशंस को ले लेते हैं इकट्ठा यहां से माइनस कॉमन निकाल लिया अंदर रह गया जेड माइनस टू ठीक है इन दोनों इकट्ठा इसमें से अगर हम प्लस डब्ल्यू लिख लेते हैं तो ये आ जाएगी हमारे पास में टर्म डब्ल्यू माइनस टू इक्वल टू जीरो क्या ले लिया इन दोनों को कंबाइन कर लिया माइनस कॉमन निकाले तो रह गया जेड माइनस टू और इन दोनों को कम्बाइन कर लिया तो ये आ गया डब्ल्यू माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो ये इक्वेशन आ गई अब अगर पूरी टर्म्स को हम इससे डिवाइड करते हैं W माइनस टू एंड जेड माइनस टू से पूरी टर्म को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में किस तरीके की इक्वेशन आएगी वो हम चेक कर लेते हैं इस पूरी टर्म को मैंने डिवाइड कर दिया आ, W माइनस टू या हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे हम क्या करेंगे इसके अंदर इसको इस तरीके से लिखते हैं W माइनस टू एंड Z माइनस टू ठीक है ये टर्म आ गई एंड यहां पे हम ले लेते हैं इसको इस टर्म के अंदर हम ले लेते हैं माइनस Z जैसे ये लिखा हुआ ना इसको हम डिवाइड कर देते हैं ये हमारे पास इक्वेशन है इसको इक्वल टू में ले लेंगे तो हमारे पास में क्या रह जाएगा Uh, z माइनस टू एंड माइनस डब्ल्यू माइनस टू ठीक है अब हम इसमें डिवाइड करते हैं डब्ल्यू माइनस टू जेड माइनस टू बहुत साइड्स देन वी गेट अब हमारे पास इसमें इक्वेशन क्या आ जाएगी देखो अब हमारे पास में इक्वेशन आ गई वन इज इक्वल टू वन अपॉन जेड माइनस टू माइनस वन अपॉन डब्ल्यू माइनस टू बट हमारी जो नॉर्मल फॉर्म होती है उसको उस तरीके से हम वैल्यूज निकालेंगे तो ये इसको हम इधर ले आते हैं ये आ जाएगी हमारे पास में वन uh, अपॉन डब्ल्यू माइनस टू इधर आगे प्लस आ गया और इसको हम उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी विच इज इक्वल टू वन अपॉन में जेड माइनस टू एंड ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ वन हाँ एक मिनट ये वाला प्रोसेस नहीं कर रहे हम आ uh, इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं हमारे पास में क्या इक्वेशन आई थी डब्ल्यू माइनस टू और जेड माइनस टू एक बार इसको दोबारा से लिख लेते हैं डब्ल्यू माइनस टू एंड जेड माइनस टू इज इक्वल टू में इक्वेशन आई थी हमारे पास में जेड माइनस टू माइनस डब्ल्यू माइनस टू तो ये आ जाएगा जेड माइनस टू माइनस डब्ल्यू माइनस टू अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन में क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो गए बच जाएगा वन अपॉन में डब्ल्यू माइनस टू एंड यहाँ पर जेड माइनस टू ठीक है अब इसको हम इधर ले आते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी अब वन प्लस वन अपॉन जेड Uh, z माइनस टू इज इक्वल टू वन अपॉन डब्ल्यू माइनस टू इसका ट्रांसपोजिशन कर देते हैं uh, इस इक्वेशन को इधर ले आते हैं वन माइनस टू साइड को ही सिर्फ रिवर्स कर रहे हैं तो वन अपॉन जेड माइनस टू प्लस वन सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ठीक है तो ये सेम उसी तरीके से आ गई वन अपॉन डब्ल्यू माइनस क्यू इज़ इक्वल टू वन अपॉन जेड माइनस क्यू प्लस कॉन्स्टेंट के तो ये के हमारे पास में वन है सो दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म ठीक है ये हमारे पास में क्या है नॉर्मल फॉर्म आ गई ठीक है इसी तरीके से आपने सेकंड सम सेकंड जो पार्ट है इसका उस, उसको भी इसी तरीके से ही प्रूफ करना है यहाँ पर भी हमने क्या निकालना है आयोटा जेड प्लस वन अपॉन में जेड प्लस आयोडा ये टर्म्स दी हुई है इसमें भी आपने क्या करना है एक बार फिक्स पॉइंट निकालना है तो डब्ल्यू को जेड के इक्वल और उसके बाद में उसको सॉल्व करना है जो भी हमारे पास में रूट्स आ रहा है क्योंकि हम नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे इक्वेशंस क्या आ रही वो भी आपने चेक करनी है और सेम जैसे फर्स्ट पार्ट किया उसी तरीके से सेकंड पार्ट को भी प्रूफ करना है अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं एग्जाम्पल फोर्थ है उसके अंदर भी सेम हमने इसी तरीके से करना है फाइंड द फिक्स पॉइंट सबसे पहले फिक्स पॉइंट निकालेंगे नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे एंड बाई लीनियर ऑफकोर्स अमोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इसका हमें नेचर पता करना है किस टाइप की ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो सबसे पहले फिक्स पॉइंट के लिए हम सेम uh, उसी प्रोसेस से करेंगे फॉर द फिक्स पॉइंट फॉर द फिक्स पॉइंट डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड ठीक है डब्ल्यू को हम जेड के इक्वल रखेंगे तो so, यहाँ पे z की इक्वल रखा दिस इज z इज इक्वल टू z अपॉन z माइनस टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड गेट z स्क्वायर माइनस टू z एंड इसको भी इधर ले आएंगे सो दिस इज माइनस z इज इक्वल टू जीरो जेड स्क्वायेर माइनस थ्री जेड इज ईक्ल टू जीरो जेड कॉमन निकाल लिया आ जाएगा जेड माइनस थ्री इज ईक्ल टू ज़ीरो सो हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट्स आए हैं फिक्स पॉइंट वो क्या आए हैं दो फिक्स पॉइंट आए हैं डिफरेंट डिफरेंट टू डिफरेंट डिफरेंट फिक्स पॉइंट आए हैं दीज आर जीरो एंड थ्री ठीक है अब फिक्स पॉइंट हमारे पास में डिस्टिंक्ट आए हैं एंड uh, जो हमने थ्योरम करी थी uh, लाइव uh, उसमें ऑनलाइन लाइव लेक्चर में हमने जो थ्योरम करी थी जिसके अंदर फोर पार्ट थे तो उसके अंदर सेकेंड पार्ट के अंदर ये कहती है थ्योरम कि अगर हमारे पास में फिक्स uh, पॉइंट आते हैं ठीक है अगर हमारे पास में फिक्स पॉइंट आते हैं तो हमारी जो फॉर्म होएगी इक्वेशन की वो किस तरीके की होएगी जैसे कि हमारे पास में एक अगर पॉइंट क्यू आ रहा है और एक पॉइंट आर आ रहा है तो हमारे पास में वो फॉर्म होएगी डब्ल्यू माइनस क्यू अपॉन में डब्ल्यू माइनस आर एंड इक्वल टू के इंटू में सेम आ जाएगा जेड माइनस क्यू अपॉन जेड माइनस आर तो so, इस तरीके की फॉर्म आती है वैन वी हैव टू डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट तो यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट ज़ीरो एंड थ्री आए हैं तो so, हमारे पास में फॉर्म जो आएगी वो आएगी डब्ल्यू माइनस क्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस आर इज़ इक्वल टू के इंटू जेड माइनस क्यू अपॉन जेड माइनस आर तो ये तो हमारे पास में नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी ठीक है अब हमें चेक करना है कि हमारी जो इक्वेशन आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रही है वो किस तरीके की आ रही है तो सिंगल अगर सेम पॉइंट आता तब तो पैराबोलिक है अदरवाइज डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं तो हमारे पास में के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी <coughs> तो के की वैल्यू जो है वो किस फॉर्म में आ रही है वो हमें चेक करना पड़ेगा आ, उसके बाद हम बताएंगे इक्वेशन जो हमारी लिपाही ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है वो किस तरीके की आ रही है तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस फॉर्म को लिखते हैं ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा W माइनस जीरो क्योंकि हमने जीरो ले लिया एंड आर को थ्री ले लिया सो so, W माइनस जीरो अपॉन W माइनस थ्री विच इज़ इक्वल टू के इन टू में ये सेम आ जाएगा Z माइनस जीरो अपॉन जेड माइनस थ्री ठीक है यह आ गया अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व uh, कर लेते हैं अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है के की ठीक है हमें के की वैल्यू निकालनी है के की वैल्यू निकालने से हमें ये पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन आई है और यहाँ पर भी हमें जो नॉर्मल फॉर्म आ रही है उसके अंदर भी हमें के की वैल्यू चाहिए तभी हमारी नॉर्मल फॉर्म आएगी ठीक है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम डब्ल्यू माइनस ज़ीरो अपॉन डब्ल्यू माइनस थ्री अब यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू लगाए थे ये जो इक्वेश वैल्यू आई है वो हम डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा डब्ल्यू की जेड माइनस जेड अपॉन जेड माइनस टू माइनस जीरो अपॉन z टू माइनस थ्री ठीक है इसको हमने सॉल्व कर दिया z अपॉन में हमारे पास में क्या आ जाएगा ये आ जाएगा z माइनस थ्री इंटू में z माइनस टू ठीक है ये वैल्यू आ गई समझ में आए मैं क्या कर रही हूं अब हमारे पास में अगर दो डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट आते हैं तो नॉर्मल फॉर्म इस तरीके से अब यहां पर जो ये के है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं जहां पर डब्ल्यू की वैल्यू हमें गिवन है जेड अपॉन जेड माइनस टू वो हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास में क्या आ गया जेड अपॉन में जेड माइनस जेड माइनस थ्री जेड एंड प्लस सिक्स आ जाएगा ठीक है ये वैल्यू आ गई सो दिस इज इक्वल टू जेड माइनस टू जेड प्लस सिक्स आ जाएगा ये ठीक है अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसमें से अगर हम माइनस वन बाई टू कॉमन निकाल लेते हैं इस इक्वेशन में से अगर हम माइनस वन बाई टू कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो क्या बचेगी ऊपर अगर हम जेड माइनस जीरो लगा देते हैं ठीक है ऊपर हमारे पास में ये आ ही रहा था जेड माइनस जीरो इसको हम उसी तरीके तो ये आ जाएगा जेड माइनस जीरो और माइनस वन बाई टू कॉमन निकाला तो अंदर क्या रह जाएगा जेड माइनस थ्री ठीक है तो ये वाली लेके चले थे और इस तरीके की इक्वेशन आ गई z माइनस जीरो एंड z माइनस थ्री और k की जगह हमारे पास क्या आ गया माइनस वन बाई टू अब k की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई माइनस वन बाई टू तो हम वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं k की वैल्यू हमारे पास में आई है माइनस वन बाई टू ठीक है तो ये जो इक्वेशन अभी आई थी z माइनस uh, क्या थी w माइनस जीरो अपॉन में w माइनस थ्री विच इज़ इक्वल टू माइनस वन बाई टू जेड माइनस जीरो अपॉन जेड माइनस थ्री सो दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म ठीक है ये हमारे पास में क्या है नॉर्मल फॉर्म है अब हमें नेचर पता करना है बाइलिनिया ट्रांसफॉर्मेशन का दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म एंड नेचर के लिए हम क्या करेंगे के की वैल्यू चेक करेंगे के हमारे पास में क्या है देखो के हमारे पास में आया माइनस वन बाई टू इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं इसको लिखते हैं माइनस वन इन टू में वन बाई टू ठीक है इस तरीके से लिखते हैं और माइनस वन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं अगर हम आ, यहाँ पर इसको हम लिखते हैं कोस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई ये आपने नंबर थ्योरी के अंदर थ्योरम करी हुई है उसी का हम यूज़ कर रहे हैं एलोथियोरम का तो ये आ जाएगा माइनस वन को हम लिखते हैं कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई की फॉर्म में ठीक है ये वैल्यू आ गई एंड यहाँ से हम एलोथियोरम का यूज़ करके हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं इन में वन बाई टू है यह एस इट ईज रह जाएगा हमारे पास तो ये आ जाएगा वन बाई टू ई की पावर हम लिख सकते हैं आयोटा पाई ठीक है ये आ जाएगा सो so, यहाँ पे के की वैल्यू हमारे पास क्या आई है वन बाई टू ई की पावर आयोटा पाई ये वैल्यू आ गई अब देखो हमारे पास में आया वन बाई टू ई की पावर आयोटा पाई तो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन जो जहाँ पे तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं तो वहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है कि अगर के की इक्वेशन इस फॉर्म में आती है के की इक्वेशन वन बाई टू ई e की पावर आयोटा पाई वहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आयोटा अल्फा में आती है एंड देखो ये इक्वेशंस दी हुई है के इज इक्वल टू ए की पावर आएटा अल्फा, अगर ए इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या होती है जोड्रामिक लो, तो यहां से हमारे पास में जो इक्वेशन है सेम उसी फॉर्म में आई हैज द गिवन इक्वेशन हैज द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन वो किस तरीके की आ गई लॉक्जो ठीक है तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में ड्रामिक इक्वेशन सो दिस इज द नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये पता करना था कि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म में आई है तो इस तरीके की क्वेश्चन हमें आ, करने हैं आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिफ्थ उसके अंदर भी हमने क्या करना है बाइलेनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके के एक्सरसाइज में जो सम्स होएंगे जहाँ पर हमें फिक्स पॉइंट निकालना है आ, नेचर निकालना है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का एंड नॉर्मल फॉर्म निकालना है वो सेम इसी तरीके से करना है जो हमने आज डिस्कस किया है तो जो भी प्रॉब्लम अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे थैंक यू